हेलो गाइस, अब देखो यहाँ पे जो एग्जांपल यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इस एग्जांपल को हम लोग नोडल मेथड से करते हैं, ठीक है। इसको लूप मेथड से भी कर सकते हैं, मतलब आप चार्ज क्यू वन मान सकते हो, फिर क्यू टू यहाँ पे गया तो बचा हुआ यहाँ पे गया, और फिर क्यू वन और क्यू टू की वैल्यू निकाल सकते हो लूप मेथड से। लेकिन आप देखो कि यहाँ पे लूप मेथड से आप इस क्वेश्चन को करने गए तो आपके दो इक्वेशन बनेंगे, क्योंकि जैसे चार्ज क्यू वन यहाँ से निकला, क्यू टू यहाँ पे गया, तो क्यू वन माइनस क्यू टू यहाँ पे जाएगा। तो क्यू वन और क्यू टू मतलब कितने इक्वेशन आपको चाहिए, दो इक्वेशन ना, मतलब दो बार आपको लूप लगानी पड़ेगी। अब दो साइमल्टेनियस इक्वेशन जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसको टाइम ज़्यादा लगता है, इतना टाइम तो हम लोग के पास होता नहीं है, तो कोई शॉर्टकट मेथड चाहिए, और वही शॉर्टकट मेथड होती है नोड मेथड। लेकिन ये फर्स्ट एग्जाम्पल है तो आप इसको ध्यान से देखो कि नोड मेथड को हम लोग यूज कैसे करेंगे। एकदम ईजी है, देखो क्वेश्चन को देखो पहले। अब यहाँ पे आप देखोगे नोड मेथड, तो पहले अपने को नोड आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पे पहले देखो ऐसा कौन सा नोड इस क्वेश्चन में दिख रहा है जो बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। अब देखोगे बीच वाला नोड, अब ये जो नोड है आप देखोगे ये इस कैपेसिटर से कनेक्टेड है, फिर इस कैपेसिटर से, फिर इस कैपेसिटर से, मतलब ये नोड इन तीन कैपेसिटर्स के साथ कनेक्टेड है। आप ऊपर देखोगे थोड़ा तो जैसे कि ये नोड था इन तीन के साथ कनेक्टेड था, राइट। सिमिलरली यहाँ पे ये नोड है जो इन तीनों के साथ कनेक्टेड है, राइट। अब ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे तो वोल्टेजेस डिफाइन थे ना, अब यहाँ पे तो वोल्टेजेस डिफाइन है ही नहीं, यहाँ पे तो 12 वोल्ट है जो बेसिकली क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना। अब यहाँ पे तो वोल्टेज डिफाइन है नहीं, तो मैंने क्या किया था, किसी चीज़ को मैंने क्या किया था, ग्राउंड माना था। ग्राउंड मतलब क्या, जिसका पोटेंशियल मैंने क्या माना था, जीरो माना था। अब एक नोट, ये आपको नोट कर रहा है, आपको क्या करना है, नोट में क्या लिखना है आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी एक पॉइंट का वोल्टेज आप जीरो मान सकते हो, ठीक है। कोई भी एक पॉइंट का वोल्टेज आप क्या मान सकते हो, जीरो, ठीक है। सिर्फ एक पॉइंट, एक पॉइंट का वोल्टेज आप क्या मानोगे, वोल्टेज इसका जीरो मान सकते हो, मतलब इसको हम लोग अर्थ कर सकते हैं, ठीक है। अब कौन से पॉइंट को अर्थ करेंगे वो आपके ऊपर है। अब उस पॉइंट को अर्थ करना है जिससे अपना कैलकुलेशन ईजी हो, जैसे कि मैंने इस पॉइंट को अर्थ कर दिया, ठीक है। अब इस पॉइंट को अर्थ कर दिया मतलब इसका वोल्टेज मैंने जीरो कर दिया, बराबर ना, मतलब इस पॉइंट का वोल्टेज भी कितना आ गया, जीरो आ गया, इस पॉइंट का वोल्टेज भी कितना आ गया, जीरो, क्योंकि वायर जीरो ही है, ऑब्वियस की बात है। अब ये जीरो है तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ मुझे, ये बैटरी है ना तो यहाँ पे कितना आएगा, 12 वोल्ट आएगा ना, क्योंकि इसका पोटेंशियल इससे बड़ा होता है, तो ये जीरो हो गया तो बैटरी से 12 वोल्ट होगा। ध्यान में रखो ये जीरो तो बैटरी का 12 वोल्ट आ गया यहाँ पे, अब यहाँ पे 12 वोल्ट आ गया तो यहाँ पे भी 12 वोल्ट आएगा। ये नोड का वोल्टेज 12, इसका जीरो, इसका जीरो, कौन सा नोड का वोल्टेज मुझे पता नहीं है, बीच वाला, जो बीच वाला है इसका नोड वोल्टेज मैं मानता हूँ एक्स। देखो यहाँ पे मुझे सपोज एक्स की वैल्यू पता चल गई तो मेरा काम तो हो गया। अब मुझे बताओ क्या करूंगा मैं, इसके ऊपर चार्ज, इसके ऊपर का चार्ज और इसके ऊपर का चार्ज, तीनों का चार्ज मिला के कितना होना चाहिए, जीरो। तो भाई क्यू वन, क्यू टू और एक क्यू थ्री, अब लिखने की जरूरत नहीं, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री ऐसे ही मैंने लिख दिया। अब इसके ऊपर का चार्ज कितना होगा बताओ मुझे, क्यू इज इक्वल टू सी वी आपके दिमाग में आना चाहिए, कोने में क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो मतलब सी कितना, 8 माइक्रोफेरेड, राइट। तो 8 माइक्रोफेरेड इन टू वी, वी कितना है, एक्स माइनस 12, इसके ऊपर का चार्ज क्या होगा, एक्स माइनस 12 ना, फिर क्यू टू कितना होगा, एक्स माइनस 0, राइट, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, एक्स माइनस 0, तो 4 माइक्रो इंटू क्या, एक्स माइनस 0 प्लस इसके ऊपर का चार्ज कितना होगा, 4 माइक्रो इंटू क्या, एक्स माइनस 0। समझ में आया आपको क्या किया मैंने, Q इज इक्वल टू क्या क्या, सी वी प्लस सी वी प्लस सी वी, मतलब सी वन वी वन सी टू वी टू प्लस सी थ्री वी थ्री, जो भी है इज इक्वल टू क्या किया मैंने, टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब यहाँ पे देखोगे ये माइक्रो एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये माइक्रो वैसे भी बहुत घटिया चीज़ है, वैसे कैंसिल होने वाली है, ठीक है, यहाँ पे तो माइक्रो कैंसिल ही हो जाएगा ना। तो 8 माइक्रो 4 माइक्रो लिखने की जरूरत नहीं थी, जनरली मैंने आपको बोला था कि फैराडे बहुत ही बड़ा यूनिट है, तो जनरली सारे कैपेसिटर्स माइक्रो में ही होते हैं, माइक्रो में होते हैं, पिको में होते हैं, नैनो में होते हैं, ठीक है। तो आप जब कैलकुलेशन करोगे एग्जाम में तब हर बार माइक्रो लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया चीज, यहाँ पे इसकी वैल्यू आई 16x, राइट, x को जोड़ दिया इज इक्वल टू कितना आएगा, 8 इंटू 12 कितना आएगा,
96, तो x की वैल्यू कितनी आई, 6, तो x आ गया 6, मतलब x जो वोल्टेज आया वो कितना आया, 6 वोल्ट आया ना। मतलब यहां पे देखो, यहां पे जो पोटेंशियल आया उसकी वैल्यू कितनी आई, 6 वोल्ट, मतलब जो मेरा अननोन पोटेंशियल था वो मुझे मिल गया। अब मुझे बताओ, अब इस क्वेश्चन का ये मेन पॉइंट, इससे करोगे क्या, आपका क्वेश्चन है इससे करोगे क्या, चलो मुझे पोटेंशियल तो मिल गया। अब आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाएगा कि भाई फाइंड द चार्जेस ऑन द कैपेसिटर्स। अब मुझे बताओ, 8 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है, मैं एक कैपेसिटर के बारे में बताऊंगा, आप बाकी के बारे में कर लोगे। इसका ये पोटेंशियल है 12 वोल्ट, ये पोटेंशियल है 6 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ भाई, 6 वोल्ट हुआ ना। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होता है, सी 8 माइक्रो इंटू क्या, सी इंटू वी, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 12 माइनस 6, समझ में आया। तो कितना चार्ज हुआ इसके ऊपर, 48 माइक्रोकुलम, ये आया ना। और मुझे बताओ, जहां पे ज्यादा पोटेंशियल वहां पे पॉजिटिव चार्ज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पे बड़ा पोटेंशियल वहां पे पॉजिटिव चार्ज, जहां पे छोटा पोटेंशियल वहां पे निगेटिव चार्ज। तो मुझे बताओ, यहाँ पे 48 माइक्रोकुलम, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 48 माइक्रोकुलम। अब मुझे बताओ, ये 6 है, ये 0 है, कहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा ना, और यहाँ पे निगेटिव होगा, कितना होगा वो, ये 6 है 0 है, तो 6 × 4 CV कितना हुआ, 24, तो यहाँ पे क्या चार्ज कितना हुआ, 24 माइक्रोकुलम। अब यहाँ पे 6, यहाँ पे 0, तो क्या यहाँ पे कितना होगा, 6 × 4 कितना होगा, 24, तो यहाँ पे भी 24 होगा, 24 माइक्रोकुलम। अब लॉजिक भी लगाओगे भाई, 48 माइक्रोकुलम सपोज यहां से आया हुआ है, तो दोनों कैपेसिटेंस सेम है, तो इसमें 24 जाएगा, तो इसमें भी कितना जाएगा, 24 ही जाएगा। तो समझ में आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, नोडल एनालिसिस से। क्या किया मैंने, इस सर्किट में एक पॉइंट ऐसा था उसका पोटेंशियल मैंने 0 माना, और वो पॉइंट कैसे लिया, कहाँ पे लिया, जहां से मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाए। देखो 0 मैंने यहां पे लिया, क्योंकि यहां पे इसका 12 था। देखो यहां पे भी 0 मान सकता था मैं, लेकिन यहां पे फिर माइनस आता ना, -12, लेकिन -12 तो घटिया नंबर है भाई, +12 तो अच्छा लगता है, माइनस कभी भी घटिया लगता है सॉल्व करने को। तो यहां पे 0 माना, तो यहां पे 12 आ गया। फिर सारे नोड्स के वोल्टेजेस लिखे मैंने, पोटेंशियल्स लिखे मैंने, 0 0 0, यहां पे 12, यहां पे 12, कौन सा पोटेंशियल पता नहीं था अंदर का, उसको मैंने माना एक्स, उसकी वैल्यू निकाली मैंने नोडल एनालिसिस से। और जैसे ही मेरे एक्स की वैल्यू निकल गई, ये तो पूरा का पूरा माइंड कैलकुलेशन का गेम बन गया। ये 6 आ गया, तो 12 माइनस 6 6 होता है, 6 × 8 48 होता है, Q इज इक्वल टू CV। अब 6 × 4 24 होता है, तो CV 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 करके अपना आंसर आ गया। समझ में आया, चलो अच्छी बात है। अब इसके ऊपर और एक एग्जांपल करते हैं, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा।